कितने खुश होते हैं। जय हो, हमारे कुल खानदान में ऐसे भगत पैदा हुए जो गंगा नहा रहे, दान कर रहे। मई घूम रहे चोर लुटेरे डकैत, वो कह रहे तुम करो हर हर गंगे और हम कर देंगे तुम्हें नंगे। तुम नहाओ और हम सामान लेके साथ। हाँ तो भैया, अब वो उनके कुल खानदान के देखते पूर्वज, वो कहते हाय हमारे खानदान में जे पैदा हुए हैं, और वो नहा रहे, वो अपना चोरी कर रहे। अब पंडित जी भजन कर रहे थे, भजन करवा ले पंडित जी का सब जेब काट ली किसी ने। एक गांव के किनारे स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो पंडित जी उतरे गए, बोले अब घर तो जा ही रहे, वैसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तो पंडित जी ने एक गांव देखा तो महाराज वो बड़ा अशिक्षित गांव था। बोले नहीं, थोड़ा कथा बता कर लेंगे फिर चलेंगे। देखा जाके एक पंडित जी थे, उन्हें बोले कम से कम जात का असर तो पड़ेगा कुछ, अब हाथ में कुछ भी नहीं। और जाके बोले अरे पंडित जी राम राम। पंडित जी ने बोले, अब थोड़ी देर में उन्होंने मन में सोचा जी तो न राम ज्वार न पानी की न भोजन की कैसा व्यक्ति है। तो उन्होंने सोचा शायद हम काशी का थोड़ा सा परिचय देंगे तो इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा। अरे पंडित जी, हम काशी से आए, ब्राह्मण है, विद्वान है और ऐसे भागवत कथा करते हैं। तो पहले तो पंडित जी बोले ना, फिर थोड़ी देर में जब देखा हाँ काशी से आए, तुम कलकत्ता से चले आओ, हमको क्या लेना देना। पंडित जी ने सोचा अरे जात को न जाने सो जाने कौन, जात को जे जात को ना समझ रहे। अरे भैया हम काशी से आए, भागवत करते हैं, अपने गांव के पटेल साहब से कह दो भागवत करा ले। तो पंडित जी कहने लगे हमारे पटेल इस स्वभाव के नहीं। हाँ बोले अलग ही स्वभाव के, क्या बोले ये फालतू की झंझटों में नहीं पड़ते जा। अरे थोड़ा जात तो देख लियो महाराज, करा लो भागवत। तो पटेल साहब से जाकर के कहा पंडित जी ने, और जैसे ही पुरोहित जी ने जाके कहा महाराज एक पंडित जी आए हैं और वो ऐसे कुछ बता रहे कि काशी से पढ़ के आए और नया नाम बता रहे कि भागवत करते हैं, ये तो थोड़ा करा लो। पटेल साहब ने कहा कैसी बात करते हो, हमने तो जिंदगी में नाम ही नहीं सुनाई है, आज पहली दफे तो ये नाम सुन रहे हैं भागवत, ये क्या होती है। अरे बोले ये फालतू के कामों के लिए टाइम नहीं मेरे पास, जा उनसे कहते जा यहाँ से। देखो अरे करा लो कोई बात नहीं। तब तक छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, उन्हें क्या पता, वो तो जानते कोई तमाशा दिखाते होंगे। हाँ हम तो भागवत सुनेंगे, हम तो भागवत देखेंगे, भागवत देखेंगे। पटेल साहब ने कहा बच्चे परेशान हैं, जाओ कहां से ये ड्रामा लेके नया आ गए, कह दो इनसे भागवत दिखाओ। पंडित जी ने सोची दिखाओ, ये तो हमें लग रहा पूरे ही मूर्खों का गांव। तो अब कोई बात नहीं, अरे पुरोहित जी बोले हाँ भागवत मंच बनाओ, विधि विधान से स्नान ध्यान करके साफ स्वच्छ गद्दी बना के और उसके बाद में भागवत होगी, ऐसे थोड़ी। अरे बोले ये सब छोड़ो, हमारा पटेल और हिसाब का है, ज्यादा देर मलगा, दिखाओ जल्दी दिखाओ भागवत कैसी होती है। पंडित जी ने जल्दी जल्दी पानी डाला और मंच पे जाके बैठ गए। अरे महाराज तो थोड़ा मंगलाचरण है, मंगला मंगलाचरण छोड़ो, भागवत शुरू करो, दिखाओ भागवत कैसी होती, बच्चों के प्राण निकले जा रहे। पंडित जी ने सोची प्राण निकले जा रहे, हे भगवान। अब जैसे उन्होंने कथा शुरू करी, जो पटेल साहब जो थे गए, वो जो सिलिया पे पटेल साहब सोते थे वही सिलिया पे उन्होंने व्यास मंच बना लिया। पटेल साहब खाना खा के आए और वहीं जहाँ पंडित जी कथा कर रहे सो उन्हीं की जंगा पे सर रखे और सो गए। अब सोते हैं तो कोई बात नहीं, पर सोते समय जो स्लीप साउंड बोलते जिसे, सोते समय जो घर्राटा चलता है, अब वो पंडित जी कर रहे कथा और बीच में पटेल, अब वो बार बार डिस्टर्ब हो रही कथा। उन्होंने कहा एक ही श्रोता था जी जजमान है, ने कहा थोड़ा बहुत कुछ देता भी और सो भी सो गया। अरे पटेल साहब, पटेल साहब अरे भागवत हो रही है, धर्म का कार्य हो रहा है और तुम सो रहे हो, अरे जागो कथा सुनो, पुण्य का काम है। सो कुछ लोग ऐसे होते सोते समय जगा दो तो आप बताइए। पटेल साहब जैसे ही जगे सो उन्होंने देखा पंडित जी को, आओ थको न ताओ और खींच के एक मिला गया, और जैसे ही एक लगाया पंडित जी ने कही ओ हद हो गई,
हम तो जैसे तैसे तो भागवत ही रही थी, और वो जे दशा अब भागवत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अब हम नहीं छोड़ेंगे। सो पंडित जी भी नहीं माने, सो उन्होंने भी खींच के एक तमाचा दिया पटेल साहब। अब दोनों की गुत्थम गुत्था शुरू। अब लोग बाग उन्हें हटाए ना रहे, बचाए ना रहे, और कह रहे क्या, बोले हटो भैया, हाँ बोले भागवत शुरू हो गई, हटो हटो पीछे हटो हटो भागवत शुरू। अब लली लला जो आगे फाड़ के बैठे, अब कछु निकले गो जाते भागवत से, कछु नौटंकी होती होगी कई, जैसे नट कलाकार करते तो बोले कुछ निकलेगा अभी, तो वो भी यूं एक टक बैठे, हाँ कुछ निकलेगा। कुछ गांव के लोग बैठे थे, चलो भैया, बोले ना भागवत देख लो कैसी भागवत हो रही। थोड़ी देर में क्या हुआ, लड़ते लड़ते दोनों ही गड्ढे में जाके गिरे। लोग बाग बोले हाँ अब भागवत कुछ गहराई में गई। अब कुछ लोग तो बोले भैया, बोले हाँ पटेल साहब तो मजबूत आदमी है, तासो झेल गए, हम पे तुझे भागवत सुनवेगी तो छोड़ो, देख क्यों ना जाए रहे। पटेल साहब दे दनादन पंडित जी। और थोड़ी देर में क्या हुआ, अब पंडित जी की पत्नी यानी पटेल साहब की पत्नी, परिवार वाले सब आए दौड़ के, काहे बोले मार ही दे रहे अब तो जी जबरदस्ती। सुबह पत्नी पास में आई और आए के बोली, हे प्रभु ये क्या हो रहा है, अरे जी तो हमारे पति को जीवित ही मारे दे रहे। सो भागवत मैया से आए के प्रार्थना करने लगी, हे भागवत महारानी, कहने लगी भागवत महारानी मेरो भाग जिन्हें फोड़ दियो और मोह चाहे मारो पर मेरे लाज को बचैया दियो। हे भागवत मैया तेरे हाथ जोड़े तेरे पाए लगे, हमारे जो जीवन साथी भाई छोड़ दे मैया, तो जो चाहिए सो ले ले। सो पंडित जी समझ गए सब मूर्ख है। हाँ सो पंडित जी ने जैसे ही सुना, और तब तक बहन पास में आ गई, बहन भी कहने लगी थापे मुख तेरो मात देख मूर्ख मुख मेरो आज, और भैया दे छोड़ चाहे भैंस और गैया ले, भैया को छोड़ दे पर मेरे चाहे भैंस गैया जो चाहिए भागवत मैया सो ले जा। तो उसी समय पंडित जी ने एक घूसा लगाया जोर, और जैसे ही घूसा लगाया और बोले बचे ना विनीत जापे आने लगे फेरी मेरी, और जाके प्राण अगर चाहो तो 500 रुपया दे, 500 रुपया दे जल्दी। अब को 500 रुपया से संकट में देख रहे हो, दौड़ के गए भैया 1000-2000 इकट्ठे करे, और अब कुछ लोग तो पेड़ पे चढ़े, कई भागवत बिचली है जाने कौन पे। हाँ भैया जी तो कब गरीब गुरबा पे चढ़ गई भागवत तो वो तो मर ही जाएगा। सो दूर खड़े कुछ लोग नसेनी ली, बोले जाओ जल्दी जा रहो दक्षिणा फटाफट। सो कुछ लोग नसेनी लेके गए, और परिचित महाराज ऐसे फेंकी जैसे दूर तो फेंको, एकदम वृक्ष में जाएगी चढ़ेगी, भैया दूर रही हूँ, बोले भागवत बिचली है पंडित जी के शरीर में भागवत भरी है, पता नहीं कौन पे। भैया पंडित जी बाहर निकले और भागवत लेके अपना चले गए। अब पटेल साहब बाहर निकले तो सब लोग वहां खड़े थे, तो हाथ पैर परियां तो फूट ही गई। लोगों ने कही और बताओ पटेल साहब, अरे क्या बात, शाबाश भागवत तो करा ली, ये थोड़ा बहुत खून निकला ये तो सब ठीक हो जाएगा, ये थोड़ी थोड़ी चोट वोट है ये तो सब ठीक हो जाएगी, मगर भागवत तो करा ली। अब बताओ कौन भागवत भाई, भागवत वही ना, भागवत करा ली थोड़ी बहुत चोट। सब पटेल साहब भी बोले साहब हमारा तो कछु ना, आप सब पंचन को आशीर्वाद है, सब भागवत हो गई। अब सब नस नस ढीली हो गई, आवाज निकली ना रही, बोल गोविंद भगवान आ जाइए। तो इसी के साथ में अभी जितेंद्र भैया मेरा सम्मान करके गया था माला से और 101 रुपए से, और ये हर्ष बेटा सम्मान कर रहा है, ये दोनों भाई सम्मान करके गए, भगवान सदा सद्बुद्धि दे। और इसी के साथ में हमारे परीक्षित महाराज जो है इनके सुपुत्र और हमारे भैया जी यानी 501 रुपए का भी सम्मान करके गए, बहुत बहुत आपको बधाई, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है।